काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो गाइस माइनक्राफ्ट की ग्राफिक्स से, आपको पता ही होगा गाइस कितनी ज्यादा बेकार लगती है। तो गाइस आज की वाली वीडियो आपके लिए है गाइस। तो आज की ये वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ काफी ज्यादा मस्त वाले RTX शेडर का पैक। हाँ गाइस, RTX प्लस शेडर का पैक देने वाला हूँ जो आपके लो एंड डिवाइस में भी वर्क कर लेगा, स्मूथली से रन कर लेगा गाइस। तो गाइस आज की वाली वीडियो शुरू कर लेते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप गाइस बढ़िया ही होंगे। तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, लेकिन गाइस आज की वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वाली वीडियो में आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बेस्ट वाले RTX शेडर का पैक। हाँ गाइस, ये आपके फुल्ली माइनक्राफ्ट को बदल देगा और ये लो एंड डिवाइस के लिए बनाया गाइस। इसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिफाइन कर दिया और काफ़ी कुछ अपडेट कर दिया है गाइस। इसमें ब्लैक स्क्रीन कुछ नहीं दिखेगा गाइस और लैग तो बिल्कुल ही नहीं होगा गाइस। 1 GB रैम के डिवाइस में थोड़ा बहुत लैग होगा, लेकिन 2 GB से आपको ये काफ़ी ज़्यादा मस्त चल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है गाइस, डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है गाइस, हाउ टू ओपन माय लिंक्स, तो आप उसे देखकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस इसे डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कर लेना अपने माइनक्राफ्ट को और देखना गाइस आपका माइनक्राफ्ट फुल्ली चेंज हो चुका होगा। और गाइस अगर आपका इसका गेम प्ले देखना चाहते हो तो गाइस वीडियो के एंड में आपको गेम प्ले दिख जाएगा गाइस, और देख लेना गाइस। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही बस। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो गाइस कमेंट में बता देना, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही बस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।